इंडस्ट्री में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। फिल्म इंडस्ट्री के एक और सितारे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर फराज खान ने 46 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में फराज खान उनके अपोजिट नजर आए थे। वहीं फराज बीते लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे, जिसके चलते फराज अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात की जानकारी बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने ट्विटर हैंडल अकाउंट के जरिए ट्वीट करके दी है। पूजा ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं बहुत ही भारी मन से इस खबर को शेयर कर रही हूं कि फराज खान अब हम सभी को छोड़कर जा चुके हैं। इस बात पर विश्वास कर पाना मुश्किल है। आपके उन सभी की मदद और दुआओं के लिए धन्यवाद, जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कृपया अपने परिवार को अपने विचारों और प्रार्थनाओं में रखें। वह एक ऐसा शून्य छोड़कर गए हैं जिसे भर पाना मुश्किल होगा। इस तरीके से पूजा भट्ट ने फराज खान को लेकर ये दर्द भरी खबर शेयर की है। ऐसे में फराज खान की फैमिली, फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ पड़ी है। अब तक फराज खान ने बॉलीवुड में कुछ ही फिल्में दी थीं, जिसके चलते फराज ने करोड़ों की कमाई भी की थी। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं फराज की संपत्ति के बारे में। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि फराज खान अंतिम समय में पाई पाई को भी मोहताज हो गए थे। अगर संपत्ति के बारे में बात की जाए तो अंतिम समय में फराज के पास अपने इलाज तक के लिए भी पैसे नहीं थे। फराज की हालत काफी नाजुक थी, जिसके चलते उन्हें बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वहीं आखिरी वक्त में फराज खान के पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और उस वक्त पूजा भट्ट ने ट्वीट करके लोगों से मदद मांगी, फराज के लिए मदद की गुहार लगाई थी। वहीं फैंस से पूजा भट्ट ने अपील की थी फराज खान के इलाज के लिए, और इस बात से साफ तौर पर जाहिर होता है कि फराज खान अंतिम समय में पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे। लेकिन आज फराज हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड ने एक और दिग्गज सितारे को अलविदा कह दिया है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।